विश्व पर्यावरण दिवस पर हेल्पिंग हैंड ग्रुप ने रोकथाम के पीछे विकास नगर में पौधारोपण किया। ग्रुप द्वारा बगीचे का रंग रोशन भी किया गया और स्लोगन लिखते हुए पर्यावरण बचाने का संदेश भी दिया गया। साथ ही इस अवसर पर हेल्पिंग हैंड ग्रुप द्वारा शहर के बाग बगीचों में पौधे लगाने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार ने कहा कि हेल्पिंग हैंड ग्रुप द्वारा जनता के सहयोग से जो पौधारोपण करने का काम किया, यह बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि हमने कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कमी को देखा है। बड़े बड़े जंगलों को आज काटा जा रहा है, जिसे हमें बचाना चाहिए। आज हम सभी ने घर, आंगन, बगीचे और खुले मैदान में पौधारोपण करने का संकल्प लिया है। आज सोशल वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारी भाई बल्ला और गुप्ता जी और सब लोग मेरे पास आए थे और उनने कहा था कि हम विकास नगर में जनता के सहयोग से, वहाँ के निवासियों के सहयोग से हम पौधे लगाने का काम कर रहे हैं। तो आज यहाँ पौधे लगाने का काम बगीचे में सारे कॉलोनी वासियों ने किया है। विश्व पर्यावरण दिवस की उन्हें बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हम सब चाहते हैं कि देश में जो वातावरण हमने अभी देखा है कोरोना काल में, कई अपने लोगों को खोया है। आज भी टीवी पर जब दृश्य देखते हैं, लोग ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके अपने माता पिता को, परिवार को बचाने में लगे रहते हैं। और पुराने समय में बहुत बड़े घने जंगल होते थे, एक एक महीने तक बारिश होती थी, आज वो सारा जंगल कट गया है। तो हम विश्व पर्यावरण दिवस के दिन आज ये संकल्प ले रहे हैं कि हम अपने घर में, आंगन में, अपने मोहल्ले में, अपने बगीचों में अच्छे फलदार पौधे लगाएंगे और वृक्ष लगाएंगे। पीपल के पेड़, नीम के पेड़, बड़े बड़े पेड़ हमें लगाना चाहिए, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, जो आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा प्रदान करे। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएँ देना चाहूँगा हेल्पिंग हैंड्स के सभी मेरे दोस्तों को, मित्रों को, कि उनने इस कार्यक्रम को किया। और इस कार्यक्रम को ही नहीं किया, लगभग शहर के ज़्यादातर बगीचों का चयन कर सब में पौधा लगाएंगे, इस प्रकार का निर्णय लिया। आज जो पौधा लगाने का काम है जो हेल्पिंग हैंड्स कर रहा है, वो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई करता है तो उसको देखकर और भी लोग करते हैं, और सब लोग मिलजुल कर करेंगे तो निश्चित रूप से पर्यावरण सुधरेगा, ठीक होगा। और हम लोग एक और बात को अगर थोड़ा पर्यावरण दिवस की बात करें, तो हर चीज़ प्रकृति में है, ऊपर से नीचे तक। चाहे हमने घड़ी पहन रखी है तो वो भी ज़मीन के अंदर से निकली हुई धातु की है। हमने जो कुछ भी हमारे शरीर से लेकर और उपयोगी चीज़ें हैं, चाहे हमारा फर्नीचर हो तो वो लकड़ी का है, आप कुछ भी, कोई लोहे से बनी हुई चीज़ है तो वो भी धातु से है। तो पर्यावरण देता ही देता है, पर हम लोगों को देने के जब अवसर आए तो हमें देना चाहिए, नहीं तो परिस्थितियाँ बिगड़ती है। और ये साइकिल बिगड़ने के कारण से, जिसको हम सीधी भाषा में बोलें, प्रकृति की साइकिल बिगड़ने के कारण से आज ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि कई प्रकार की बीमारियाँ आ गई है। और प्रकृति अगर सुरक्षित रहेगी तो निश्चित रूप से हम और हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहेगी। और उसी दिशा में आज पर्यावरण दिवस के इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से सभी नीमच जिले वासियों को ये कहना चाहूँगा कि हम सब लोग अपनी अपनी भूमिका रोज निभाएं। पर्यावरण दिवस कोई भी दिवस हम इसलिए बनाते हैं कि उसके कारण से हमारे दिमाग में, हमारे विचारों में लगातार वो चीज़ें ध्यान में रहे। परंतु लगातार और रोज करने से, पेड़ अगर कट रहा है तो हम उसे कटने से बचाएं। अगर हमारी गाड़ी ज़्यादा धुआं दे रही है तो क्यों दे रही है, ऐसी छोटी छोटी बारीक चीज़ों पर अगर हम ध्यान लगाएंगे तो निश्चित रूप से हम पर्यावरण को बढ़ाएंगे और कई बीमारियों पर विजय पाएंगे। नीमच से आसिफ अली की रिपोर्ट।